नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने असलाहा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में एक पिस्टल, दो तमंचे, दो कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास रुपए भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि जटहा थाना क्षेत्र के किन्नरपट्टी गांव में अवैध असलाहा बेचने की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, जिसको लेकर पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि वो अपने एक रिश्तेदार के सहयोग से अवैध असलाहा बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस सभी से बाकी लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। सुनील कुमार राव नामक व्यक्ति है, सुनील कुमार राव मुन्ना, ये बिहार से पश्चिमी चंपारण आदि क्षेत्र से ला करके असले यूपी में कई जिलों में सप्लाई करता था। इसके बारे में जानकारी मिली तो कल इसे किन्नरपट्टी जटहा से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि महाराजगंज में कोई रिलेटिव है इसका, जान पहचान का, तो उसके माध्यम से ये क्षेत्र में सप्लाई कर रहा था। ये पूर्व में भी कई जगह पर सप्लाई किया है, जैसे बस्ती, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में, और आज यहाँ सप्लाई करने के लिए ला रहा था जब से गिरफ्तार किया गया। इसमें 0.32 बोर का एक पिस्टल है, 315 बोर का एक कट्टा है, 12 बोर का एक कट्टा है, और इसकी के साथ दो कारतूस और एक डिस्कवर बाइक, मोबाइल और कुछ पैसे बरामद किए गए हैं। इसकी शिनाख्त पे और भी कार्रवाई की जा रही थी, जहाँ जहाँ ले जाके बेचता था उनकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है, और जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।